आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मुझे बताया गया कि पठानकोट और गुरदासपुर इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा लोग फौज में भर्ती होते हैं पूरे देश में, और इन दोनों जिलों से सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए हैं फौज में। तो ये दोनों जिले जो हैं एक तरह से देशभक्तों के जिले हैं। तो एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सुन के बहुत दुख हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में हैं। अभी भगवंत मान जी उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं, नहीं तो उनको भी आ जाना था। इसके कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, श्री हरमंदर साहब जी के दरबार साहब जी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने की कोशिश की गई। कुछ लोग तो हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वारदातें चुनाव के टाइम पे क्यों होती है? पिछली बार भी चुनाव के कुछ दिन पहले, हफ्ते दस दिन पहले, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पिछली बार भी 2015 में बेअदबी का बरगाड़ी कांड हुआ था, और अब फिर चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची है। कौन है ये लोग, कौन करवा रहा है ये? आज मीडिया ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई जो व्यक्ति दरबार साहब के अंदर जाके उसने बेअदबी करने की कोशिश की, मेरे हिसाब से उसने खुद नहीं किया, उसको भेजा गया है, किसी ने भेजा है, कोई मास्टरमाइंड है कहीं बैठा है जो ये करवा रहा है। जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे। पिछली बार जो बेअदबी का कांड हुआ था 2015, उसके बाद 2016 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया, सरकार बदल गई, अकाली दल की सरकार चली गई, बाद कैप्टन की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ गई, कैप्टन बदल गए, चन्नी साहब की सरकार आ गई, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। तो संदेश क्या दे रही है पंजाब की सरकारें कि ये चलता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, दोषियों के साथ खड़ी हैं ये सरकारें। आज अगर पुराने बेअदबी जिन लोगों ने करवाई थी उसके मास्टरमाइंड को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाती होती, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा बेअदबी करने की पंजाब के अंदर। तो क्या माने, मिले हुए ये सारे? और आज पंजाब के अंदर इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कमजोर सरकार है, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, झगड़ रहे हैं ये लोग, ये मंत्री उसके खिलाफ लड़ रहा है, उनका पंजाब का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा है, ये क्या पंजाब सरकार चलाएंगे? इतनी कमजोर सरकार पंजाब को अच्छी व्यवस्था, विकास, शांति नहीं दे सकती। आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सख्त, स्टेबल और ईमानदार सरकार देंगे पंजाब को। जब तक सख्त सरकार नहीं आएगी, जब तक स्ट्रांग सरकार नहीं आएगी, जब तक सख्ती वाली और ईमानदार सरकार नहीं आएगी, तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। इस किस्म के कांड, बॉम्ब ब्लास्ट, बेअदबी के कांड चलते रहेंगे।
आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश के अंदर जो ईमानदारी के साथ काम करती है, दिल्ली के अंदर करके दिखाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पंजाब के अंदर भी ईमानदार सरकार देंगे, सख्त सरकार देंगे, स्टेबल स्थिर सरकार देंगे, और ऐसी सरकार देंगे जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो आज इस पावन धरती से, देशभक्तों की धरती से, मैं पंजाब के लोगों को एक गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करेंगे, हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे और पंजाब के अंदर भाईचारे को बढ़ाएंगे, भाईचारा सभी धर्मों सभी जातियों के अंदर भाईचारा बढ़ाएंगे। इसके लिए हम 5 कदम उठाएंगे। सबसे पहला कदम, पुलिस के अंदर जितनी भर्तियां होती हैं सारी पैसे ले दे के होती कि नहीं, सचों की भी भर्ती पैसे ले दे के होती है, थाने की भी भर्ती पैसे ले दे के, एसपी की एसएसपी की होती है कि नहीं होती है। और अभी सुन रहे हैं कि आज की मौजूदा सरकार में भी पुलिस वालों की भर्ती के रेट लगे हुए हैं, एसएसपी की भर्ती के इतने रेट, एसपी की भर्ती के, डीएसपी की भर्ती के इतने रेट। ये बंद करेंगे, ये सब बंद होगा। ईमानदारी के साथ अच्छे पुलिस अफसरों को, एफिशिएंट पुलिस अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वो पंजाब के अंदर सुरक्षा कायम कर सके, और अच्छे पुलिस अफसर को लगा के उसके काम में कोई एमएलए की दखलंदाजी नहीं होगी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होगी। जो अभी रमन बहल साहब ने कहा, एफआईआर की पर्चे की, रजिस्टर पर्चे की कॉपी जो है वो थाने के अंदर होगी, वो पर्चे की कॉपी एमएलए के घर पे नहीं होगी। पुलिस वालों के काम के आज में दखल अंदाजी बंद करेंगे। ये हमारे कुंवर विजय प्रताप साहब हैं, पुलिस में आईजी थे, ईमानदार अफसर थे, बरगाड़ी कांड की इन्होंने जांच करी, जांच करके इन्होंने बड़े बड़े लोगों को दोषी पाया, इनकी रिपोर्ट दबा दी गई, इनकी रिपोर्ट खारिज करा दी गई। आज अगर इस पुलिस अफसर को ईमानदारी से काम किए दे करने देते ये लोग, भाई साहब दोबारा बेअदबी नहीं होती, फिर बड़े बड़े लोग जेल में बैठे होते। ईमानदार पुलिस वालों को काम करने देंगे, उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको साइड में बिठा के रखते हैं, बेईमानों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है केवल। ये बदलेंगे, तो पहली ये गारंटी। दूसरी चीज, जितने पुराने अभी तक के बेअदबी के कांड हुए हैं और जितने बम ब्लास्ट के कांड हुए हैं, एक एक कांड की जांच करा के समयबद्ध तरीके से उनके जो ऊपर आगू बैठे हैं, जो सबसे ऊपर उनके मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे, उनको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि दोबारा बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, सिखों के धर्म की भी नहीं होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भी नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के ग्रंथों की भी नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन के किसी के भी ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने अभी तक बेअदबी किया दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी चीज, बॉर्डर का, एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का एक ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। चौथी चीज, कुछ अफसरों से मैं बात कर रहा था, ये आजकल ड्रोन बहुत आने लग गए पाकिस्तान की तरफ से, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फौजें, बीएसएफ, पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट सबसे आधुनिक तकनीक देंगे, कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ, ऐसी तकनीक हम अपने फौजियों को देंगे। और पांचवी चीज, जितने भी अपने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, डेरे हैं, हरेक की सुरक्षा करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई जाएगी ताकि दोबारा कोई बेअदबी का कांड ना हो। तो ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, पंजाब के अंदर शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए। आज मैं पंजाब के लोगों को ये आश्वासन और गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो होगी, ईमानदार होगी, सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और पंजाब के अंदर शांति का माहौल कायम करेगी।
पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने गुटके की कसम खाई थी कि उनकी सरकार बनेगी तो एक महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म हुआ? बड़ा है नशा, बड़ा है नशा। हर पिंड के अंदर नशा आज भी बिक रहा है, घर घर के अंदर नशा है। हमारे यूथ, हमारे युवा, हमारे बच्चे या तो कनाडा चले गए और जो बच गए वो बेचारे नशे के अंदर डूब गए। आज पंजाब का युवा क्राइसिस के अंदर है। क्या हुआ इनका? 5 साल बाद अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो इन्होंने मजीठिए के खिलाफ एक पर्चा दाखिल कर दिया। 5 साल लग गए इनको एक पर्चा दाखिल करने में और बब्बर शेर की तरह चिल्ला रहे हैं वो सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पर्चा कर दिया, हमने पर्चा कर दिया, हमने। अरे क्या कर दिया तुमने? एक पर्चा करने से पिंडों में ड्रग खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, नशा बिकना बंद हो गया? वैसे ही नशा बिक रहा है? एक पर्चा करके चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद नशा दूर करना नहीं है, इनका मकसद दोबारा चुनाव में वोट बटोरना है। पूरे पंजाब में नशा फैला हुआ है, हर पिंड में नशा फैला हुआ है। तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े नशा बेचने वाले डीलर बैठे हैं, हर जिले में बैठे हैं, हर हलके में बैठे हैं। उनको कौन पकड़ेगा? उनको नहीं पकड़ रहे। पूरे पंजाब के अंदर कितना नशे का स्टॉक पड़ा है? 1 ग्राम नशा सीज किया इन्होंने, दबोचा इन्होंने, नहीं दबोचा। एक फर्जी पर्चा करके नौटंकी कर रहे हैं, बब्बर शेर बने फिर रहे। पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। हमारे साथ ऐसे ऐसे कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार जांबाज पुलिस अफसर हैं, इनको करना आता है, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है। इनकी तरह नौटंकी सरकार नहीं चला रहे हम लोग। आप में से दिल्ली कौन कौन गया हुआ है? किस किस के दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? आपने सुना दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए? किस किस ने सुना है दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए दिल्ली के, शानदार। पहले जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में इतने खराब थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, डेस्क नहीं थे, बच्चे आते नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को राजी नहीं था, सारे बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई नहीं थी। 5 साल के अंदर आज शानदार हो गए सरकारी स्कूल, ये इसी बात से अंदाजा लगा लो। इतने शानदार, इतनी सारे सरकारी स्कूल तोड़ के हमने नई बिल्डिंग बना दी, शानदार बिल्डिंग। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए, 99.7, 99.7%। कभी सुना? भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में 99.7% नतीजे सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट से बहुत ज्यादा नतीजे आए हमारे। इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में नाम भर्ती कराया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी आप पंजाब में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी में दाखिल कराओगे? कभी नहीं कराओगे। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा। कितने लोग चाहते हैं कि पंजाब के स्कूल भी दिल्ली जैसे अच्छे बनने चाहिए? बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? चन्नी साहब को मैंने कहा, मैंने एक दिन ऐसी मीटिंग में कहा, मैंने कहा जी हम पंजाब के स्कूल अच्छे करेंगे, तो चन्नी साहब कहते हैं पंजाब के तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है। कहते हैं जी पंजाब के तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है। तो इसका मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है, अगर उनकी सरकार दोबारा आई तो ऐसे ही रहेंगे स्कूल। तो अगर अच्छे स्कूल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, और अगर ऐसे ही स्कूल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना। मर्जी आपकी है, किसको वोट दोगे? अभी थोड़े दिन पहले मेरे को बहुत बुरा लगा, टीचरों की जो पंजाब के स्कूलों में टीचर हैं वो किसी बात पे हड़ताल पे थे। मैं साफ साफ कर दूं, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल अच्छे हुए हैं वो केजरीवाल ने नहीं करे,
मैंने तो माहौल दिया था बस। हमारे दिल्ली स्कूलों के टीचरों ने सारी व्यवस्था बदली है, सारा श्रेय हमारे टीचरों को और प्रिंसिपल को जाता है। पंजाब के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मैं मिला हूं उनसे। पंजाब के टीचर भी काम करना चाहते हैं, पंजाब के टीचर भी शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं। माहौल खराब है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली जैसा माहौल देंगे और यही टीचर आपको पंजाब के स्कूल शानदार करके दिखाएंगे। आपको पता नहीं पता है, ट्रंप साहब आए थे पिछले साल, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ दिल्ली आए थे मोदी जी से मिलने। जब वो दिल्ली आए तो उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल देखने आई। उसने कहा मेरे को दिल्ली सरकार का स्कूल देखना है, यानी कि दिल्ली सरकार के स्कूल के चर्चे अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस तक पहुंच गए हमारे चर्चे। मिलेनिया ट्रंप पूरी दुनिया में किसी का स्कूल देखने नहीं गई, दिल्ली सरकार का स्कूल देखने दिल्ली आई थी। तो जब उसने कहा मैं दिल्ली सरकार का स्कूल देखूंगी, तो मोदी जी ने उसको बहुत समझाया। मोदी जी थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने उनको बहुत समझाया कि भाई तुम केंद्र सरकार का स्कूल देख लो, बोली नहीं। उन्होंने कहा तुम प्राइवेट स्कूल देख लो, बोली नहीं। वो दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए आई। पंजाब के स्कूल ऐसे बना देंगे कि अगली बार जो भी राष्ट्रपति किसी देश का आएगा वो पंजाब के स्कूल देखने के लिए आएगा अगली बार। दिल्ली में हमने खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। दिल्ली में हमने खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। सुना आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? जितने सरकारी अस्पताल हैं सारे सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। और दिल्ली में अब हमने हर दिल्ली वाले को एक सुरक्षा चक्र दिया है। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी बात है, सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। खूब पीछे तक भीड़ है, अंदर तक आ गए सब लोग, बहुत अच्छा है। अभी और आएंगे, अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, सब लोग सुनिए। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पतालों की, पहले दिल्ली में बहुत बुरी हालत थी, अस्पतालों में डॉक्टर आते नहीं थे, दवाइयां मिलती नहीं थी, एक्सरे मशीन खराब रहती थी, सीटी स्कैन मशीन खराब रहती थी। दिल्ली के सारे अस्पताल हमने प्राइवेट से भी ज्यादा अच्छे कर दिए, जितने मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, इनसे भी ज्यादा अच्छे हो गए अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल। और हमने दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षा चक्र दिया है। आजकल इलाज कराना इतना मुश्किल हो गया कि घर में कोई बीमार हो जाए तो 2-3 लाख रुपए तो यूं ही चले जाते हैं, प्राइवेट में चले जाओ तो। हमने हर दिल्ली वाले का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। उसे क्रोसिन की दवाई की जरूरत है वो भी मुफ्त, और अगर उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाए और 70-80 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पंजाब के अंदर ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारे पंजाब के लोगों को यह सुरक्षा चक्र मिलना नहीं चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि हर पंजाब के आदमी का सारा इलाज मुफ्त होगा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है, जैसे दिल्ली के लोगों को दे रखा है। चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल मुफ्त दे रहा है सब कुछ, केजरीवाल पैसे लुटाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? हमारे लोगों को अच्छा इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई सरकार अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे सकती, कोई सरकार अपने लोगों को अच्छा इलाज नहीं करा सकती, तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसी सरकार को। फिर है किस लिए पैसा? तुम्हारे हवाई जहाज के लिए, तुम्हारे महलों के लिए पैसा है, तुम्हारे एसी बंगले के लिए पैसा है। जनता टैक्स इसीलिए तो देती है, जनता को सुविधा मिलेगी। अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते, अच्छा अस्पताल नहीं बना सकते, दवा दारू नहीं दे सकते, तो लानत है हमारे ऊपर। हैं जी, सरकारी बने
इलाज होगा जी, चिंता ना करो, हुन इलाज होगा, सरकारी अस्पताल विच इलाज होगा, चिंता ना करो जी। दिल्ली में भी यही हाल था, दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने करके दिखाया, हमारी नीयत साफ है और हमें करना आता है। दिल्ली में पहले जब हमारी सरकार बनी, 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, बिजली के पावर कट लगते थे। मेरे को 3-4 साल लगे, एक एक गली में जा जाके मैंने खड़े होके तार बदलवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मेरे को पता चला है पंजाब में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली जाती है, जाती है नहीं जाती? 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, हाथ खड़े करके बताना जिस जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए। जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी, ऐसे पंजाब में भी 24 घंटे बिजली करेंगे। पहले बिजली के बिल खूब आया करते थे दिल्ली में, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए। आज दिल्ली में बिजली मुफ्त मिलती है, मुफ्त मतलब मुफ्त, मुफ्त मतलब जीरो बिल आता है, जीरो। कई लोग यकीन नहीं करते, मैं सोच रहा था आज बिल लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए, जीरो बिल आता है जी दिल्ली में, जीरो बिल और 24 घंटे बिजली, चमत्कार। पंजाब में किस किस को जीरो बिल चाहिए बिजली के, ये टीवी वाले दिखा दो जरा सा। ये चन्नी साहब मेरे को रोज गालियां काटते हैं, केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली चाहिए ना, कह रहे केजरीवाल खजाना लुटा रहा है। मैं कहना चाहता हूं चन्नी साहब को 5000 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त। ये रे बिजली के बिल लेके आए हम, ये देखो, ये कोई राजवीर सिंह गोयात है, इसने 170 यूनिट बिजली इस्तेमाल करी, जीरो बिजली का बिल है। ये कोई पीपीटी तनेजा है, इसने 180 यूनिट बिजली इस्तेमाल करी, इसका भी जीरो। कितने सारे बिल लेके आए हूं आपको दिखाने के लिए, जीरो बिल आते हैं दिल्ली में, जीरो बिल, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, जीरो बिल आते हैं। ऐसे ही पंजाब में भी जीरो बिल आया करेंगे, आप लोगों के पुराने सारे बिल माफ कर देंगे। वो कहते हैं, ये नेता चन्नी साहब कहते हैं कि ऐसे बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए। चन्नी साहब को हर महीने 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। आपको बिजली मुफ्त मिले तो ठीक है, जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो आपको मिर्ची लगती है, आपको बड़ी तकलीफ होती है अगर जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए। मैंने कसम खाई है, जो जो चीजें इन नेताओं को मुफ्त मिलती है सारी मैं जनता को भी मुफ्त दिलवाऊंगा। हर आम आदमी को खास बनाएंगे इस देश में, हर आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे। और यहां पे मैं देख रहा हूं बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, मां बहनें बैठी हैं। हमने ऐलान करा है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए महीना देंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दो, मर्द भी हाथ खड़े कर दो, मिलने चाहिए आपके घर की महिलाओं को कि नहीं मिलने चाहिए? एक नेता आपका पंजाब का कहता है कि महिलाओं को अगर 1000-1000 रुपए दिए तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। बताओ जी बिगड़ जाओगे क्या? मैंने कहा तुमने 1000 करोड़ रुपए डकार लिए खजाने से, तुम नहीं बिगड़े, हमारी महिलाएं 1000 रुपए देने से बिगड़ जाएंगी। तुम 1000 करोड़ खा गए, बोले खजाना खाली हो जाएगा। खजाना खाली तुमने करा है, तुम खा गए सारा। इतने बड़े बड़े नेताओं ने इतने होटल बना लिए, जमीनें खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, इतना पैसा कमा लिया इन नेताओं ने, 7-7 पीढ़ियां इनकी घर बैठ के खा सकती हैं। पंजाब का खजाना तुमने लूटा है, मां बहनों को 1000 रुपए मिलेंगे तो बरकत होगी, आशीर्वाद मिलेगा सारी मां बहनों का। आजकल चन्नी साहब मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, कहते हैं कि केजरीवाल आम आदमी थोड़ी है, मैं हूं आम आदमी, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है। केजरीवाल को आता है क्या गिल्ली डंडा खेलना? एक इंटरव्यू में बोले केजरीवाल मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आते हैं क्या कंचे खेलने? एक इंटरव्यू में बोले मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या गाय का दूध निकालना? मैं आम आदमी हूं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब
मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, मेरे को जनता को फ्री बिजली देनी आती है, 24 घंटे बिजली देनी आती है। अब पंजाब की जनता तय कर ले कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि स्कूल अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखर गई है, खिलर गई है, सारे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सर्कस बन गई है एक तरह से। चन्नी साहब की सिद्धू साहब से नहीं बनती, सिद्धू साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की रंधावा साहब से नहीं बनती, रंधावा साहब की बाजवा साहब से नहीं बनती, उसके उससे ऐसी लड़ाई कर रहे हैं ये, ऐसी लड़ाई कर महाभारत मची पड़ी है, सर्कस बन गई है कांग्रेस पार्टी। और इसमें जोकर ही जोकर है, रोज नए नए इनके। अब इसमें आप सबसे आखिर में एक ही विनती कर रहा हूं, 25 साल आपने कांग्रेस को दिए, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल आपने बादल परिवार को दिए, 19 साल बादलों ने राज करा, इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। आपसे बस 5 साल मांग रहा हूं मैं, मेरे को 5 साल दे दो, अगर मैं 5 साल में काम ना करूं अगली बार लात मार के भगा देना, वोट मांगने नहीं आऊंगा अगली बार। भारत